पोको F3 GT आ गया है एंड आई एम सो एक्साइटेड. ये पोको F1 के बाद में सीरियस परफॉर्मेंस देने वाला शायद पहला ही फोन होगा पोको की तरफ से. जी हाँ, पोको F1 वॉज इन दैट क्लास एंड आई थिंक पोको F3 GT विल बी इन दैट क्लास. जी हाँ, देखने वाले हैं. वैसे ये गेमिंग फोन है एंड जो स्पेक्स वगैरह हैं दोस्तों, सीरियसली गुड. सब कुछ देखेंगे, सब कुछ बताएंगे आज आपको. लेकिन दोस्तों, अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. अच्छा वीडियो लगा, पूरा देखिए, अच्छा लगा तो ही लाइक जरूर कीजिएगा. लेट्स ओपन द बॉक्स. पोको F3 GT 5G मेड इन इंडिया. ऑलराइट, असेंबल्ड इन इंडिया लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है, मेड इन इंडिया. पोको येलो 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 एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन. सबसे पहले यू गेट सिम कार्ड टूल, उसके बाद में दोस्तों ये है केस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. USB टाइप सी टू 3.5mm का अडाप्टर आता है. इसका मतलब देर इज नो 3.5mm जैक गेमिंग फोन में. ऑलराइट, दिस इज द फोन. ओ माई गुडनेस, ओके नाइस. 67W का, लुक एट दैट ब्रिक. ये बड़ी ब्रिक है एंड जबरदस्त चार्ज भी करती है. 67W का फास्ट चार्जर आता है एंड ओ नाइस. Look at this cable. Yellow cable है दोस्तों, लेकिन L-shaped है. जी हाँ, गेमिंग के लिए इसका बहुत फायदा होगा आपको. ऑल राइट, चलिए रखते हैं ये सब कुछ साइड में, अब फोन के पास देखते हैं. हो, lovely. बढ़िया दिखता है दोस्तों ये फोन. Look at this. Gives you a gaming vibe. जब आप हाथ में लेते हो तो ऐसे गेमिंग का वाइब आता है इसके अंदर. थोड़ा अलग डिजाइन है. आपको कैसे लगा? आई रियली लाइक इट टू बी ऑनेस्ट. वैसे रेडमी K40 गेमिंग में देखा हुआ था, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस विथ पोको ब्रांडिंग राइट इन द मिडिल. वैसे दोस्तों, स्क्रैच गार्ड जो है ये लगा हुआ आता है. सो या ओवरऑल स्लाइटली, जैसे मैंने बताया, वाइडर लगता है एंड वेट ज्यादा नहीं है, बट येस इट विल बी क्लोजर टू 200 grams, दैट्स फॉर श्योर. अबाउट बिटवीन 200 and 205 grams, लेट्स टेस्ट इट आउट. Alright, 206 grams दोस्तों, 206 grams. So yeah, मैंने बताया था आपको 200 से 205 ग्राम होगा, उतना ही है. Alright, केस डाल के देखते हैं, केस में भी कुछ गेमिंग वाइब है या नहीं देखना होगा. ओके, प्लेन TPU केस है, ठीक ठाक क्वालिटी है. लेट मी, इंटरेस्टिंग. ओके, गिरा के देखते हैं. वो नहीं, कुछ नहीं, केस की क्वालिटी अच्छी है, ऊपर आती है, सो It will not have. लेकिन जो आवाज आता है ना, it always scares me. Trust me, always. वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि metal frame आती है. Yes, this is a metal frame. पीछे और आगे दोनों ही तरफ आपको Gorilla Glass 5 का protection मिलता है. So it is that metal glass sandwich design. वैसे दोस्तों, एक quirky चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. K40 gaming में fighting लिखा हुआ था बीच में. इसमें इधर Poco की branding है, fighting वगैरह नहीं है. That is good. लेकिन कैमरा के साइड में दोस्तों, freezing and speediest, ये दो चीजें लिखी हुई है. फ्रीजिंग. ऑलराइट, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए. वैसे नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप सी है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे जो है नीचे की तरफ है. ऑलराइट, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों, ये प्लेन नहीं है. गेमिंग की वजह से जब आप पकड़ते हो तो उसके लिए थोड़े इंडेंट्स हैं इधर, बट लुक्स नाइस. एंड लेफ्ट हैंड साइड में माइक्रोफोन भी आता है, नाइस. उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, तो नीचे की तरफ एक माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में है. ऊपर भी दोस्तों, आपको एक नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है. सो टोटल 3 microphones. IR ब्लास्टर आता है इसके अंदर, नाइस. एंड यू ऑल्सो हैव अ स्पीकर ग्रिल ऑन टॉप. जी हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं. बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया. एंड ऑन द राइट हैंड साइड दोस्तों, फिजिकल ट्रिगर बटन्स मिलते हैं. और दोस्तों, ये जो ट्रिगर्स हैं, जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये प्लेन होते हैं, एंड देन यू कैन ओपन इट. देयर इज अ स्लाइडिंग, दो बटन्स हैं, फिजिकल बटन्स हैं. दैट टैक्टाइल फीडबैक मिलता है आपको खेलते समय, विच इज सो सैटिस्फाइंग. आई एम श्योर आप BGMI वगैरह खेल रहे हो, और अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, एब्सोल्युटली, दैट्स फॉर श्योर. और दोस्तों, बीच में आपको दोनों जो ट्रिगर्स हैं उसके बीच में पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, विच डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर. जी हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें. टाइम टू स्टार्ट द फोन दोस्तों. देखते हैं, बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या अंदर भी उतनी ही सारी चीजें हैं? लेट्स फाइंड आउट. वाओ दोस्तों, ये डिस्प्ले देखिए, थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा स्क्वेयरिश दिख रहा है, थोड़ा गेमिंग कंसोल टाइप दिख रहा है. और ये बड़ी स्क्रीन है दोस्तों, 6.67 इंच की FHD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन है.
120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है एंड 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है. वेरी नाइस. बाय द वे HDR 10 प्लस का सपोर्ट है एंड 10 बिट कलर्स दिखते हैं, मतलब मोर देन 1 बिलियन कलर्स आपको इसके ऊपर दिखते हैं. एंड दिस डिस्प्ले दोस्तों यू कैन सी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिस्प्ले. स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत अच्छा है क्योंकि साइड के बेजल्स ऊपर के बेजल्स बहुत पतले हैं. चिन इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल दोस्तों. आई लव दिस डिस्प्ले. वैसे सेंटर पंच होल भी मुझे अच्छा लगता है. लेफ्ट राइट होने से भी ज्यादा अच्छा मुझे सेंटर पंच होल लगता है. यू नो दैट सिमेट्री इज देयर. वैसे दोस्तों आपको बता दूं, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट दिस डिस्प्ले इज वेरी वेरी ब्राइट. मतलब बाहर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस्तेमाल करोगे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ आपको दिखेगा. वैसे एक ही चीज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है, इन डिस्प्ले नहीं है. दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में. मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर आता है विच इज अ वेरी वेरी केपेबल, इनफैक्ट नियर फ्लैगशिप प्रोसेसर. गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छा है. 6 NM पे है तो पावर एफिशिएंट भी है. दोस्तों अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास. जो है वो है 8 128 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 12 GB का भी एक वेरिएंट आता है, 6 GB का भी आता है. अगर स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं, UFS 3.1 है, थम्स अप, दैट्स अ गुड थिंग. LPDDR4X रैम आती है. बैटरी के बारे में बात करूं तो 5065 mAh की बड़ी बैटरी आती है, सो लॉन्ग गेमिंग सेशंस आप कर पाओगे. वैसे बैटरी डिप्लीट भी हो गई, कम हो गई, तो 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है जो 42 मिनट्स में 0 to 100% कर देता है. सो वेरी गुड ऑन बैटरी फ्रंट एज वेल. वैसे दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की. जी हाँ, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो क्या रियल लाइफ परफॉर्मेंस भी मिलता है? रेगुलर यूसेज दोस्तों, वाओ, इट फील्स रियली गुड. 120 हर्ट्ज एंड दैट 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, पता चलता है, यू विल एंजॉय इट. दोस्तों एक चीज लेकिन आपको कहनी है कि हमारा जो मैं स्कोर थोड़ा अंतुतु स्कोर जो है थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इसका, कुछ 6 लाख का है, 6.5 लाख तक आना चाहिए था. आई एम नॉट श्योर वाई, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इट इज मच मोर देन दैट. और दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस HDR एंड अल्ट्रा पे आप खेल पाओगे. अल्ट्रा HD अभी भी लॉक्ड है, बट हमने जब अल्ट्रा और HDR पे खेला दोस्तों, सस्टेन्ड सेशन हमने बहुत देर तक खेला एंड वी डिड नॉट सी एनी ड्रॉप इन परफॉर्मेंस. तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देता है ये चिपसेट भी एंड दिस फोन ऑल्सो. आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड जब हम खेल रहे थे BGMI. हमने जेंसिंग इम्पैक्ट भी खेल के देखा दोस्तों, विच इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट गेम्स, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला. एंड दोस ट्रिगर्स, स्पेशली BGMI खेलते समय जो ट्रिगर्स का जो मजा आता है दोस्तों, स्पेशली इफ यू यूज्ड टू इट, यू विल लव दिस फोन. और हाँ, गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो बता दो दोस्तों, RGB होना चाहिए कहीं ना कहीं. तो यस, इधर सेमी सर्कल में ऊपर और नीचे जो कैमरा केसिंग है, ऊपर और नीचे आपको RGB मिलता है. सो जस्ट दैट गेमिंग वाइब, आई लाइक इट. और हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए गेम मोड आता है जहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखता है, FPS वगैरह दिखता है. और हाँ, ग्राफिक्स वगैरह आपको एनहांस करने हैं वो भी आप कर पाओगे. सो नाइस देयर. और दोस्तों ये जो ट्रिगर्स हैं उसे आप कोई फंक्शन असाइन करना चाहोगे वो भी आप चेंज कर पाओगे गेम मोड से. वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पावर बटन है वो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, बटन ही है. उसे भी अगर कोई फंक्शन असाइन कर पाते तो अच्छा होता. पोको, आर यू लिसनिंग? कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग. स्पीकर्स दोस्तों, आई वांट टू टॉक अबाउट इट. इंप्रेसिव साउंड. जी हाँ, गुड क्वालिटी. एक तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, नीचे स्पीकर ग्रिल है. जब आप खेल रहे हो तो आवाज वगैरह बहुत अच्छा आता है. इंप्रेस्ड विद द साउंड एंड ऑफकोर्स क्योंकि ये जो डिस्प्ले है इतना अच्छा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन पे टॉप नॉच होने वाला है, फ्लैगशिप लेवल. एक चीज है लेकिन दोस्तों, 3.5 mm जैक होना चाहिए था. गेमिंग फोन है, 3.5 mm जैक शुड हैव बीन देयर. आपको क्या लगता है इसके बारे में? वैसे 3.5 mm का अडैप्टर आता है इनसाइड द बॉक्स, बट इसी में होता तो. OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों, MIUI 12.5 आता है. आई एम नॉट गोइंग टू से मच अबाउट इट, बट जी हाँ, रेगुलर यूसेज में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. एड्स वगैरह हमको नहीं दिखे तो क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको मिलता है. बट या आई विल बी वेटिंग फॉर MIUI 13, दैट्स फॉर श्योर. चलिए दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में. जी हाँ, दिस इज डायमेंसिटी 1200, सो 5G आता है. पोको ने एक्जैक्टली नहीं कहा है, बट जनरली डायमेंसिटी 1200 अराउंड 10-11 बैंड्स को सपोर्ट करता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन. डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.2 है दोस्तों, NFC नहीं है इसके अंदर. ऑलराइट, कैमरा इस फोन का हाईलाइट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी डिसेंट कैमरा सेटअप आता है इसके अंदर. 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है. आगे आपको सेंटर पंच होल में 16 MP का सेल्फी सेंसर दिखता है. जरूर देखिए, मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ आपको, आपको ये फोटोज कैसे लगे जरूर बताइएगा. तो सभी जो आपको एक स्टैंडर्ड कैमरा UI में चाहिए सभी फीचर्स आते हैं. मैक्रो वीडियो भी आप निकाल पाओगे, सो दैट इज अ गुड थिंग. और वीडियो के मामले में दोस्तों 4K 30 FPS शूट कर पाओगे. ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं.
चलते हैं दोस्तों। कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट आता है इसके अंदर, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, नोटिफिकेशन लाइट जो है आगे नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो RGB लाइट है पीछे कैमरा की तरफ वो दिखती है। सो यस, नोटिफिकेशन लाइट आती है इसके अंदर। FM रेडियो नहीं है। स्टार वैल्यू के बारे में बात करूं, विद इन लिमिट्स दोस्तों। एक फीचर के बारे में बात करना चाहूंगा जो सभी फोन्स में एक्चुअल में होना चाहिए, स्पेशली अगर एमोलेड स्क्रीन है तो DC डिमिंग जो इसके अंदर आती है, एंड इट रियली हेल्प्स, स्पेशली वीडियो वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फ्लिकर्स जो आते हैं DC डिमिंग की वजह से बहुत कम हो जाते हैं। सो थैंक यू पोको फॉर दैट DC डिमिंग। आई लाइक दिस फोन दोस्तों। ओवरऑल अगर आप देखोगे, इन हैंड फील जो है स्लाइटली बड़ा लगता है मेरे हिसाब से, बट इट गिव्स यू दैट गेमिंग वाइब फील। जो परफॉर्मेंस देता है दोस्तों, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देता है। आई लव द डिस्प्ले, 120 हर्ट्स फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड 480 हर्ट्स टच सैम्पलिंग रेट है। MIUI 12.5 मैं कहूँगा ठीक ठाक है जैसे बताया, बट ओवरऑल कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है एंड गेमिंग परफॉर्मेंस जो है इम्प्रेसिव एंड आई रियली लाइक्ड इट। अब दोस्तों ये देखना है कि इसकी प्राइस क्या आती है। वैसे रूमर्स हैं दोस्तों कि इट इज गोइंग टू कम अराउंड 28,000-29,000। अगर इस प्राइस रेंज में आ गया अंडर 30,000, सभी फीचर्स के पास आप देखोगे, इस फोन के पास अगर कंप्लीट पैकेज देखोगे, आई विल से दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। एंड पोको F1 जैसे अंडर 20,000 उस टाइम आया था, अगर ये 30,000 के नीचे अभी आता है, आई वुड लव इट। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे हो सकता है दोस्तों, जो पिछले 3 साल से पोको F2 के लिए हम रुके हुए थे, ये आ गया है इन दिस फॉर्म, पोको F3 GT। वैसे दोस्तों आपको इस फोन के बारे में कोई भी सवाल है जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।